हो गया भैया, आगे मेरा पूरा भाषण समाप्त होने के बाद आप कुछ कह सकते हैं। जो दादा आपको भाषण करना है तो मैं बैठ जाता हूँ, 10 मिनट बोलिए। इतने सीनियर सांसद होकर बीच में टोका टोकी करना ना आपकी उम्र के लिए अच्छा है ना आपकी सीनियोरिटी के लिए अच्छा है। मैं बैठ जाता हूँ, आप भाषण करिए 10 मिनट प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, हर बार नहीं करनी चाहिए, विषय की गंभीरता को समझना चाहिए तो बोले नहीं होते। क्रोधित नहीं होता हूं भैया, समझाता हूं। और अभी अभी जो जिक्र करते थे कि गुजरात की बंदरगाह से 3000 किलो नशा पकड़ा गया, जो आज तक का सबसे बड़ा कैच है, वो कस्टम के सॉफ्टवेयर एनालिसिस के आधार पर ही पकड़ा गया। और मान्यवर, अभी कुछ सदस्य पढ़ रहे थे, मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, सिर्फ एक दृष्टिकोण के बदलाव की विनंती करना चाहता हूं। किस राज्य में से सबसे ज्यादा ड्रग्स पकड़े गए, उसका मतलब हम ये ना निकाले कि वो राज्यों में सबसे ज्यादा ड्रग है, इसका मतलब ये है कि वो राज्य सबसे ज्यादा काम करता है और पकड़ता है। अगर पकड़ते ही नहीं है तो कुछ नहीं पकड़ा जाएगा, तो फिर पंजाब में ड्रग ही नहीं है। अगर पकड़ना नहीं है तो आंकड़े अच्छे ही हो जाएंगे। मगर क्या इस शुतुरमुर्ग नीति से हम देश को बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते। हमारा मुंह मिट्टी में डालने से आंधी नहीं चली जाती मान्यवर, आंधी को फेस करना पड़ता है, सीने पे झेलना पड़ता है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक मिनट मान्यवर, मान्यवर कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे ड्रग कहां से आ रहा था, ड्रग गल्फ कंट्रीज से आ रहा था, इसके मालिक कौन है, उनको सारे के सारे पकड़ लिए गए हैं, फैक्ट्रियां सील कर दी गई हैं, और उसके आधार पर देश के 12 राज्यों में रेड कर वहां भी कारोबार करने वालों को पकड़ लिया। और दूसरी बात, अभी मेरे पास नहीं है, मुझे मालूम नहीं था कि मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की तरह इस सदन में जवाब देना पड़ेगा, तो मैं डिटेल लेकर नहीं आया हूं, मगर चलान कर दिया गया है, ऑनलाइन उपलब्ध है, सर्च कर नहीं मिलना है तो मुझे बताइए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर।